We are quickly here to show you how the milk gets processed. So the entire journey. So from the collection centers, आप देख रहे हैं कि ये milk के tankers में अब ये इसको unload किया जा रहा है. ये इसका दूध का unloading center है. अभिषेक और विनीता मेरे साथ हैं यहाँ अमूल की टीम से. अभिषेक ज़रा आप इधर आइए और विनीता जी आइए. तो आप मुझे बताइए जल्दी से कि ये अनलोडिंग सेंटर है, यहाँ से ये सारा दूध यहीं पे आता है और यहाँ से अनलोड होता है. बिल्कुल, यहाँ से हमारे जो विलेजेस से जो दूध आता है इन टैंकर्स में कलेक्ट होकर आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ द मिल्क क्वालिटी इट इज कम्प्लीटली पम्प्ड इनटू द सिस्टम एंड पूरे थ्रू ऑल दीज जो हमारे पाइप्स हैं इट गोज इनटू फॉर द पैस्चराइजेशन एंड देन मेड इट्स सेंट टू डिफरेंट सेक्शन जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो अवनीता जी ये हाथ से टच नहीं करते हैं इसको? और फिर ये अच्छा वो अपना भाई वो वही कर रहे हैं उसको. Yes, and each and every tanker is tested for quality over here. You see a quality control lab over here. So each and every tanker is tested for quality, and after that it's unloaded, and the milk goes into these raw milk silos. ये raw milk silo. तो एक दिन में कितना दूध आता है आपके पास? This is the Amul Dairy where we are standing. So right now it's getting around 20 to 25 lakh liters of. 20 to 25 lakh liters only in one center. Per day. And you have about 70 centers like this. Yes, around 200 to 250 lakh liters per day. Per day. 200 to 250 lakh liters per day is produced. ये दूध सारा यहाँ आता है और फिर इतनी बड़ी बड़ी टैंकर्स में जाता है. उसमें यू कैन सी कि कैपेसिटी लिखा है 1.5 लाख लीटर. एक साइलो की कैपेसिटी में ही 1.5 लाख लीटर लिखा हुआ है. 250 लाख लीटर्स हर रोज इज कलेक्टेड थ्रू दिस एंटायर अमूल कोऑपरेटिव बेहमोथ दैट दे हैव. 36 लाख फैमिलीज दैट गेट बेनिफिटेड. आइए पूरा प्लांट आपको दिखाते हैं, इसके आगे आप समझेंगे पूरा मिल्क कैसे प्रोसेस होता है. और आपने कहा कि 50% ऑफ द मिल्क कलेक्शन इज लिक्विड मिल्क जो हमारे घर में दूध आता है, और रिमेनिंग 50% प्रोसेस्ड हो जाता है जैसे चीज़, बटर, चॉकलेट, वो बाकी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं. टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं अमूल के शेफ में? We have around 1,050 SKUs, packs, Amul product packs. 1,050 Amul product packs and different kind of products, about 200, how many? Yes, around 28 we have dairy products and then we have ice cream range and our liquid milk range. So 28 dairy products, ice cream range and of course liquid milk and some of the other flavored packs. Aur bahut kuch ab frozen food mein bhi ghus gaya, potato aur wo bhi kar rahe hain. To sab kuch ho raha hai yahan Amul mein. Aaiye aapko pura dikhate hain. तो ये दूध का सैंपल इसमें डालते हैं आप और फिर इसको चेक किया जाता है. किसके लिए चेक करते हैं आप? फैट एसिड है, प्रोटीन, लैक्टोज, सब एडल्ट्रेशन उसमें चेक कर होता है. चेक होता है और वो हर ट्रक से जो सैंपल आया उसमें उसको चेक करते हैं. हर हाँ हर लिक्विड मिल्क का सैंपल टेस्टिंग होता है. इनकमिंग आउटगोइंग सब में. ऐसे इन बॉटल्स में आप सैंपल्स कलेक्ट करते हैं? या एग्जैक्टली इसमें कलेक्ट करते हैं. Well, this is the entire testing lab that you can see all around you. The milk, every milk sample is tested, it's checked, and that you can see before it is sent further for processing. Not an easy job to test 250 lakh liters of milk, but about 25 lakh comes to this dairy center. So this is a process which they follow for every single ounce of milk that they get all around us. So. We are right now outside the Amul butter plant. So जिसे हम सब जानते हैं as utterly butterly delicious. ये कैसे बनता है, इतना सारा मक्खन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये आपको दिखाते हैं. सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस तरफ. Let's quickly have a look. ये बटर जो है, पहले हमारे घर में ऐसे चर्न हुआ करता था मक्खन निकालने के लिए, दूध को चर्न करते थे. अब ये बहुत बड़ा चर्निंग मशीन है और अब आप देखें तो आपको वहाँ ऊपर येलो येलो दिखेगा कि देखो कैसे बटर को फेंटा जा रहा है और उसको दूध को फेंट फेंट के उसको वहाँ पर उसको चर्न करके उसमें से बटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है. हाँ, उस डोम के अंदर आप जो दिख रहे हैं दैट इज़ हाउ द बटर इज़ स्लोली गेटिंग चर्न और उसको बना रहे हैं और धीरे धीरे फिर वो इस ट्यूब से चल के आता है और पूरा ये रास्ता तय करता है. इस रास्ते को तय करके फिर इससे पहले कि वो पैकेज हो वो यहाँ आपके सामने ऐसे दिखता है. देखिए कितना सारा मक्खन आके गिर रहा है, ये मक्खन आके गिर रहा है, ढेर सारा मक्खन, और धीरे धीरे वो मक्खन उसको रोल किया जा रहा है. वो मक्खन ऊपर से उस पाइप के अंदर से चर्न होने के बाद वो मक्खन प्रोसेस होके बाहर की तरफ आता है और फिर वो गिरता है और इसमें उसको रोल करके
उसको चर्न किया जा रहा है, और फिर उसके बाद जैसे ही ये मक्खन बाहर निकलता है उसको फिर धीरे धीरे स्लैब्स में कट करके वो पैक होके बाहर निकल रहा है। ये 100 ग्राम बटर आपके सामने जा रहा है, देखिए जाता जा रहा है, और फिर वो पैकिंग मशीन के अंदर उसको ब्यूटिफुली इट्स गेटिंग पैक्ड। सो दिस इज़ हाउ द डिलीशियस मक्खन फ्रॉम दूध इज एक्सट्रैक्टेड, मेड, पैक्ड, एंड देन ऑफ कोर्स इट कम्स ऑन टू आवर डाइनिंग टेबल्स फॉर आवर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आइए गौर से देखिए इसे।